वेलकम टू माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ किंगडम फंगी आई होप जो लास्ट लेक्चर है किंगडम फंगी का वो आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा जिससे कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा लास्ट लेक्चर में हम किंगडम फंगी के बारे में उसके इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन साथ में फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया आज हम एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट सो जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंगी भी बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में मोस्टली मल्टी सेलोर फंगी आती है रेयरली यूनिसेलोर फंगी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं जो यूनिसेलुलर फंगी है वो है ईस्ट जिनका हैबिटेट है वो है सेप्रोफाइटिक होती हैं मींस डेड ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन लेती हैं मींस डेड ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती हैं साथ में डीकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने का काम करती हैं पैरासिटिक होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रह सकती है एंड कॉप्रोफिलस होती है कॉप्रोफिलस मीन्स जो फंगी डंग पर ग्रो करती है जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है और साथ में ब्रांच्ड होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनाइडिया की हेल्प से होता है एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटोकैमी सोमेटोकैमी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें क्या होता है कोई भी सेक्स ऑर्गन रिक्वायर नहीं होता या फिर कोई भी सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होता दो माइसिलियम क्लोज आते हैं फ्यूजन का प्रोसेस होता है सेकेंड इज़ केमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सो so, जो स्पोर होते हैं वो एस्को स्पोर फॉर्म होते हैं वो तो आप नाम से भी देख सकते हैं एस्को माइसिटीज एंड एस्को स्पोर नाम में काफ़ी सिमिलरिटी है जो हाइफा है इसमें वो सेकलाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एस्कस बोलते हैं इसी वजह से सेकलाइट स्ट्रक्चर -like होने की वजह से सेकफ फंगी भी से बोला जाता है जो एस्कस है उसके ऊपर वो फिलामेंट से प्रोटेक्टेड होती है प्रोटेक्टेड बाय सम फिलामेंट टू तो फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी एजोकार्प एक उसके ऊपर एक कवरिंग या बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं एजोकार जिसमें म्यूसिस होता है और उससे एस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं जो कि हैप्लोइड होते हैं एजोकार्प जो है वो तीन तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिस्टोथीशियम जो कि क्लोज हो और बॉल शेप्ड हो पेरीथीशियम जो कि फ्लाश शेप्ड हो एंड एपोथीशियम जो कि ओपन और डिस्क शेप हो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसमें दिया हुआ है पेनीसीलियम जो एक एंटीबायोटिक है फर्स्टली डिस्कवर करती एलेक्जेंड्र फ्लैमिंग ने काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट हु डिस्कवर पेनिसलिन सो जो आंसर है वो है एलेक्जेंड्रो फ्लैमिंग सेकेंड एग्जाम्पल इज एसपरगिलस थर्ड इज़ क्लैविप सिप इससे हमें एर्गोटिनिक ड्रग है वो ऑप्टेन होती है एंड क्लेविसेप से हमें काफ़ी सारी ड्रग्स ऑप्टेन होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं सेकेंड इज एलएसडी लेजर्जिक एसिड अमाइड भी हमें क्लेविसेप से मिलता है जो कि एक नैरकोटिक ड्रग है और हेलोकिनोजेनिक ड्रग भी है थर्ड वन इज़ मोर्शेला जो कि एक एडिबल फंगस है मीन्स इसे फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है फोर्थ इज न्यूरोस्पेरा आई थिंक फिफ्थ वन या फिफ्थ न्यूरोस्पोरा न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है सो so, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है दैट विच फंगी इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम सो हमारा आंसर होगा न्यूरोस्पोरा बीडल एंड टैटमिक साइंटिस्ट हुए उन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी जिसके लिए उन्हें नोबल प्राइज भी मिला था उन्होंने न्यूरोस्पोरा पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और जो न्यूरोस्पोरा है उसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट जेनेटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा का दैन नेक्स्ट है ट्रफ़ल्स ट्रफ़ल्स भी एडिबल फंगी है अब हम पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सेकेरोमाइसी सर्विसी ये एक यूनिसेलुलर फंगी है एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही हम इसकी स्टडी करते हैं एंड ये फर्मेंटेशन फंगी भी बोला जाता है बिकॉज फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इसका काफ़ी यूज़ होता है इसे बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है और जो विटामिन बी ट्वेल्व है जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं राइबोफ्लेविन ये हमें ईस्ट से ही ऑपटेन होता है सो so, एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसीडियोमाइसिटीज के बारे में जिन्हें हम क्लब फंगी भी बोलते हैं सो so, जो इनका हैबिटेट है वो सोयल में रहती हैं या फिर ट्री स्टम्प्स में भी ये मिलती हैं ये पैरासिटिक होती हैं मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती हैं जो माइसीलियम है जो बॉडी है फंगी की वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है अब इसमें एक टर्म आती है वो है क्लैम्प कनेक्शन सो ये क्या है ये ट्यूबुलर रिलेशनशिप है दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जिसमें ट्यूब्स uh, की हेल्प से जो एक सेल है उसका न्यूक्लियस नेबरिंग सेल की नेबरिंग uh, सेल में माइग्रेट हो जाता है देन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स एबसेंट होते हैं इसमें इसलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है फर्स्ट होता है सोमेटोगेमी से सोमेटोगेमी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोमेटोगेमी मैंने आपको बताया था जिसमें सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होते और जो माइसीलियम में वो क्लोज आते हैं और फ्यूज होते हैं देन आगे का प्रोसेस होता है सो so, जो एग्जाम्पल है सोमेटोगेमी का वो है अस्टिलैगो एंड एग्रीकस सेकेंड प्रोसेस इज परमेटिजाइजेशन सो इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया ये क्या करता है ये वीट में रस डेवलप करता है एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेसिडियोमाइसिटीज के सो so, वो पढ़ लेते हैं हम एक बार एग्जाम्पल है ब्रैकेट और शेल्फ फंगी सेकेंड इज़ पफ बोल्स जैसे जैसे क्लेविएटा और क्लेविएटिन एक एंटी कैंसर मेडिसिन हमें इससे ऑप्टेन होती है थर्ड वन इज मशरूम जिसमें हम बेसिडियोकार्प अम्ब्रेला लाइक -like स्ट्रक्चर होती है एंड एडिबल होते हैं अम्ब्रेला लाइक -like शेप होती है ये हम पढ़ चुके हैं एग्ज़ाम्पल जो है वो है एमिनीटा मस्केरिया ये मोस्ट पॉइजनस मशरूम है सो अगर क्वेश्चन आता है डेट विच मशरूम इज़ नोन एज मोस्ट पॉइजनस मशरूम सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा एमिनीटा मस्केरिया देन स्मट फंगी ये इस अस्टिला होते हैं एग्रीकस गिल फंगी बोलते हैं और फेरी रिंग्स भी से बोलते हैं बर्ड नेस्ट फंगी जो है ये साइक्स एंड निड्यूलैरिया इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से बनते हैं मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से पूछे जाते हैं सो so, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपको याद हो जाए जो नेक्स्ट फंगी है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जिसे फंगी इम भी बोला जाता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है जो माइसीलियम है जो बॉडी है ड्यूटेरो फंगी की वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनाइडिया की हेल्प से होता है ये सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक दोनों तरीके से न्यूट्रिशन ले सकती है हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा एंड एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं एग्जाम्पल फर्स्ट इज एल्ट्रेरिया सोलनी ये पोटैटो में अर्ली ब्लाइट नाम की एक डिजीज़ होती है वो कॉज करती है सेकेंड एग्जाम्पल इज सर्कोस्पोरा परसोनेटा जो कि तिखा डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट ये कॉज करती हैं कोलेटोट्राइकम फैल्टम ये रेड रोट ऑफ शुगर कैन कोज करती है दैन फोर्थ इज हेलमेंटस्पोरियम और आइजा लीफ स्पोटोफ्राइस ये कॉज करती हैं ट्राइकोफाइटोन एंड माइकोस्पोरम रिंग रिंग वाम कोज करते हैं ह्यूमन में एंड ट्राइकोफाइटन इंटरजेनेटिक एंड टीनियापेडिस ये एथलीट फूड डिसीज कॉज करते हैं फूड में रिंगवॉम हो जाते हैं दैन आज हम बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज एंड डूटेरोज के बारे में स्टडी कर चुके हैं so, सो यहाँ पर हमारा जो किंगडम फंगी है वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट जो इसमें इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, में टॉपिक हैं वो है प्लांटी और एनिमिल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में हम स्टडी करेंगे ये जो नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन से आगे वाले चैप्टर हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे बिकॉज यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम फ्रॉम बेसिक्स टू स्टैंडर्ड लेवल प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो एम पर आएगी किंगडम फंगी के एम को हम डिस्कस करेंगे एम प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज जब तक हम एम डिस्कस नहीं करते एम की प्रैक्टिस बार बार नहीं करते तब तक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होते आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू